22 और 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी सहित प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रभारी, सारे लोग उपस्थित। पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आज हम लोगों ने जिलों के पदाधिकारियों की बैठक की है और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार 30 तारीख 31 तारीख से पहले पहले हमें सभी जिलों की बैठक हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने जो निर्णय किए हैं उन निर्णय को हम संगठनात्मक दल के नाते, हमारा संगठन है, हम नीचे तक अपनी तैयारी करेंगे और जो जो काम केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है उस काम के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। जी सवाल यह है कि 24 का चुनाव बड़ा नजदीक है, आप लोग भी बैठकें कर रहे हैं, कांग्रेस नेता है सैफ सिकोदा, वो कह रहे हैं कि अयोध्या का जो मामला है वो लोगों की आस्था का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको चुनावी माहौल बना रही है, प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को भी लेकर उन्होंने सवाल उठाया। ये हमारी आस्था का, उनकी भी आस्था का विषय, हमारी आस्था का विषय, लेकिन ये वो लोग हैं जो भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर ना बने इसके लिए जो न्यायालय में केस चलते थे उनमें ये व्यवधान उत्पन्न करते। भारतीय जनता पार्टी का हमारा स्टैंड रहा है हमेशा और हमारा कमिटमेंट था, पालनपुर अधिवेशन में हमने तय किया था कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने के लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसे पूरा करें और आज हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान को मंदिर बन रहा है। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और हमारे लिए गर्व करने वाला विषय है। हमारे जीवन काल में भव्य राम मंदिर हमारे सपने जैसा है। सर, भारत जोड़ों के बाद भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 14 जनवरी, क्या कहेंगे? कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई लोग संज्ञान लेते नहीं और वो कुछ भी कर ले प्रदेश की और देश की राजनीति में, और कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं। इंडिया गठबंधन में शुरुआत में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें समाजवादी पार्टी ऑफर कर रही है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं है। अब ये तो इतिहास है, आप सब जानते हैं ये बेमेल गठबंधन है, इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है और स्वार्थी लोगों का गठबंधन, जनता के विषयों को फेस ना करना पड़े इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन गठबंधन पलाप अलापते हैं, लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तो कौन अखिलेश वखिलेश और किस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के लोगों ने अखिलेश यादव जी के बारे में, और अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के बारे में किस तरह सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, ये आप और हम सब जानते हैं। धन्यवाद।